बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा, बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही हेल्दी सा सैंडविच। इसमें हमें बहुत थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो घर में मौजूद होती हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा चिकन उबाल लें। मैं यहाँ पर एक चिकन ब्रेस्ट उबाल रही हूँ, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन, थोड़ा सा पेपर और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के जैसे ही ये डन हो जाए, उबल जाए, इसको आप श्रेड कर लें, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ कर रख लें साइड पे। हमें इसका एक कप चाहिए। यहाँ पर मैं इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कप बॉयल्ड चिकन और बाकी सारे जो सब्जियाँ हैं वो मैंने आधा आधा कप ली हैं, जैसे कि बंद गोभी है, गाजर है, शिमला मिर्च है और जो लेटस होता है ना वो, ये सब मैंने हाफ हाफ कप लिया। उसके अलावा थोड़े चीज़ स्लाइसेस चाहिए, थोड़े से ब्रेड चाहिए, मस्टर्ड पेस्ट और मेयोनेज चाहिए। तो चले मैं इसे बनाती हूँ आपके सामने। पहले आप एक बोल में ये सारा चिकन और जो वेजिटेबल्स हमने लिए थे वो सब डाल लें। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब ऊपर से आप इसमें डालें 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट और 3/4 कप जो है ना आप मेयोनेज डालें, या अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। 3/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लें। अच्छा, इसको अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। और ये देखें, मैंने बहुत थिन थिन से सब कुछ काटा था ताकि सैंडविच में ये बहुत मोटा मोटा बुरा ना लगे। अब यहाँ पर मैं ऑनियंस कट कर रही हूँ ब्राउन ब्रेड के। यहाँ मैं ब्राउन ब्रेड यूज़ करने वाली हूँ, आपको अगर वाइट करना है तो कर लें, लेकिन ब्राउन ब्रेड इज़ अ हेल्दी वर्जन। ऊपर से बहुत सारा स्प्रेड जो हमने सैंडविच मिक्स बनाया ना उसको स्प्रेड करें, ऊपर अच्छी तरह डालें और ऊपर से आप लगाएं एक स्लाइस चीज़ और फिर बंद कर दें इसको दूसरे स्लाइस के साथ। अब इस सैंडविच को मैं हाफ हाफ में डिवाइड कर दूंगी। तो ये लीजिए जनाब, मज़ेदार सा, हेल्दी सा और बहुत ही अच्छा सा सैंडविच बिल्कुल रेडी है, जिसको आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, लंच में भी खा सकते हैं, सपर में भी खा सकते हैं, जिस वक्त चाहें खाएं। बहुत ज़बरदस्त है और लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। इसको थोड़ा ठंडा खाया जाता है तो रूम टेम्परेचर पर रखें या फ्रिज में रख दें कवर करके। और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो स्पेशली वेजिटेबल्स नहीं खाते वो मेयोनेज़ और केचप के साथ सब कुछ खा लेते हैं। तो ये ज़रूर खिलाएं और ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।